नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है। हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण निरूपित करनी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मैं बच्चों बाकी क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक ही लाइन मैंने पढ़ी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है मतलब आज की डेट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो, तो पहले रोहन की आयु पता होनी चाहिए। तो मान लो रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब क्या होता है, आज की। रोहन की आज की आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, देखो रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन 1 साल का है तो उसकी माँ 26 साल बड़ी है, यानी उसकी एक्स से 26 साल ज़्यादा है उम्र, तो ये होगी x+26 वर्ष। अभी हमने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी थी, उसे हमने लिख के रख लिया। आगे, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 साल बाद वाली जो उनकी उम्र है उसका गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा। तो हम कहते हैं यहां पर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, बच्चों ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। आज रोहन 1 साल का है, 3 साल बाद उसकी उम्र में 3+ हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना बच्चों, आज मैं अगर मान लो 30 साल का हूँ तो 3 साल बाद मेरी उम्र में 3+ हो जाएंगे, 30+3 33। ऐसे ही रोहन 1 साल का है, 3 साल बाद यानी उसकी उम्र में 3+ कर दो। ऐसे ही 3 साल बाद माँ की आयु, माँ की आयु आज है x+26, 3 साल बाद इसमें 3+ कर दो, तो ये हो गया x 26+3 कितना हो गया, +29 वर्ष। ये 3 साल बाद की उसकी माँ की आयु आ गई। क्वेश्चन के हिसाब से उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की आयु 3 साल बाद वाली और इसका गुणनफल माँ की आयु 3 साल बाद वाली जो है x+29, इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब हमें इसे हल करना है। आप जानते हैं x जो है ये पहले इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, उसके बाद 3 इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। तो x सबसे पहले x से गुना होगा तो बन जाएगा x² + x गुना 29 हो जाएगा 29x + 3 गुना x हो जाएगा 3x + 3 गुना 29 हो जाएगा 29 या होता है 87 बराबर 360। हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुना कर दिया। ये तो हम 6वीं 7वीं से करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई मुश्किल होगी। अगले स्टेप में देखिए, x² + 29x + 3x कितना होता है, 32x + 87। 360 यहाँ बराबर से आगे प्लस हो रहा है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अगले स्टेप में x² + 32x, x² वाली और कोई रकम नहीं है, x वाली भी और कोई रकम नहीं है, ये बिना x वाली रकमें हैं। आइए इन्हें हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी 360 में से 87 माइनस कर दो, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 2, तो ये आ गया 273। साइन बड़ी रकम का, क्योंकि 360 बड़ा है, इसके साथ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस का निशान आएगा, और हमारे पास बचा 273 बराबर 0। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका अर्थ यह है जो हमें द्विघात समीकरण निकालनी थी वो ये हमारे पास आ गई है। ठीक है बच्चों, तो ये एक आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था, हमने इसकी द्विघात समीकरण बनानी थी वो हमने इस प्रकार से बना दी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद बच्चों।